मेरा नाम है टाइगर गौरव त्रिवेदी। आप सब जेंटलमैन का, आप सभी का मैं दो हाथ जोड़ के बहुत बहुत मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ। तो मैं आप सभी की इस लर्निंग स्पिरिट को मैं सैल्यूट करता हूँ और आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहला ग्लास जो है, हम अगर लेफ्ट से शुरू करें तो पहला जो ग्लास भरा हुआ दिख रहा है, तो ये ग्लास हम सबका करंट माइंडसेट जो है वो बता रहा है। तो जर्नी हैज ऑलरेडी बिगन, काम ऑलरेडी चालू हो गया है। सो ऐसा बनने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, ऐसा दिखने के लिए क्या क्या चाहिए होगा? तो सबसे पहला चीज, पावर ऑफ प्रिपरेशन। आप कितने भी बड़े ट्रेनर क्यों ना हो दासू जी, आप कितने भी बड़े बिजनेसमैन क्यों ना हो सनी जी, या आप कितने ही बड़े आप डायरेक्टर क्यों ना हो आशुतोष जी, एक चीज जो जिंदगी में आपको नहीं भूलनी चाहिए वो है पावर ऑफ प्रिपरेशन। आप सब लोग मिस्टर नायर को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उनका परिचय देने का कोई जरूरत नहीं है, राइट? सो मिस्टर नायर का 35 ईयर से ज्यादा का एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग इंडस्ट्री में। पिछले साल की बात करूं, हमने लॉकडाउन के पहले एक बहुत बड़ा मेगा प्रोग्राम किया था लोनावला में, एक बहुत जबरदस्त प्रोग्राम था जिसका नाम था APO, ऑटो पायलट ऑर्गेनाइजेशन। वो 3 दिन का रेसिडेंशियल प्रोग्राम था जहाँ पे 80 से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स आए हुए थे देश के अलग अलग हिस्सों से। तो मैं भी उस प्रोग्राम का हिस्सा था, नायर साहब के साथ मैं भी टीम में था। तो मैं सूरत से ट्रैवल कर रहा था लोनावला, तो मुझे नायर साहब के घर पे जाना था और वहाँ से मैं और नायर साहब साथ में जाने वाले थे। तो जब मैं उनके घर पे पहुँचा एक दिन पहले, 1 day advance, तो मैंने वहाँ जाके पूछा, उनकी वाइफ थी सिंधु मैडम, उन्होंने पूछा सर किधर है, तो मैडम ने बोला कि संतोष ने तो अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, सुबह से वही है। तो मेरे लिए ये आश्चर्य वाली बात थी, मैंने क्या हो गया। तो मैंने दरवाज़ा नॉक किया, कुछ 15-20 मिनट के बाद सर ने दरवाज़ा थोड़ा आधा ही खोला, तो मैंने ऐसे तुरंत ऐसे अंदर झांक लिया क्या है, तो सर के पूरे रूम में ढेर सारे, इतने सारे सब कागज ये वो फाइलें पड़ी हुई थी और सर वहाँ पे बैठ के प्रैक्टिस कर रहे थे। तो मैंने सर को बोला कि सर क्या कर रहे हैं, सर ने बोला अभी तू बाहर जा, मैं बाद में शाम को बात करता हूँ। फिर जब हम लोग साथ में गाड़ी में जा रहे थे तब मुझे नायर साहब ने बताया कि बेटा मैं प्रिपेयर कर रहा था। मैंने बोला क्या चीज़ की प्रिपेयर, बोले ये अपना कल का जो प्रोग्राम है 3 दिन का। तो सर आपको प्रिपरेशन की क्या ज़रूरत है, आप तो मास्टर आदमी हैं, आपने अभी तक हजारों नहीं लाखों ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए हैं और ये कॉन्टेंट आपको बाय हार्ट है, तो क्या प्रिपेयर करना। बोले नहीं ऐसा नहीं है, प्रोग्राम चाहे 3 दिन का हो चाहे 3 घंटे का, संतोष नायर जिंदगी में बिना प्रिपरेशन कभी स्टेज पर नहीं गया और ना कभी जाएगा।